नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होगा शहीद भगत सिंह के 5 रुपए के इस सिक्के पे। जिन लोगों के पास में ऐसे सिक्के हैं और जो लोग बेचना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशल है, तो वीडियो को कहीं स्किप मत करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपको वीडियो के एंड होते होते पता चल जाएगा कि आपका सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है और आप इस सिक्के को कहाँ सेल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आज का ये वीडियो है शहीद भगत सिंह के 5 रुपए के सिक्के के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इस सिक्के के बारे में बताना चाहूंगा और उसके बाद में कीमत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको सिक्के को पहचान लेना है कि आपको ये सिक्का किस कंडीशन में मिलना चाहिए। शहीद भगत सिंह का 5 रुपए का ये सिक्का 2007 में जारी किया गया था, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में। सिक्के की चमक से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये स्टील का सिक्का है। इस सिक्के का वजन 6 ग्राम होता है, 23 mm का साइज होता है, 22 mm का इसका थिकनेस होता है और इन सिक्कों को दो अलग अलग मिंटों में बनाया गया था, हैदराबाद और कोलकाता की मिंट से। कलकत्ता मिंट के सिक्के में यहाँ पे कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा और हैदराबाद मिंट के सिक्के में यहाँ पे स्टार बना हुआ नजर आएगा। यह है आपका एक 5 रुपए का कॉमन सिक्का जो आपके पास इस टाइम पे होगा। किसी न किसी के पास तो ये सिक्का जरूर होगा जो वीडियो देख रहे हैं। अब इस सिक्के की कीमत कैसे बढ़ती है उसके बारे में बात करते हैं। 5 रुपए का ये कॉमन सिक्का जो मैंने आपको अभी बताया, मतलब स्टील का सिक्का और जो इसकी खूबी बताई, हैदराबाद या कोलकाता मिंट का सिक्का, वैल्यू देगा 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक। भागना नहीं है वीडियो छोड़ के, क्योंकि अभी मैं आपको वो सिक्का बताने वाला हूं जिसकी कीमत होती है 12,000 से लेकर 15,000 तक। मतलब किस कंडीशन में मिलता है वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो वो रेयर वैरायटी का सिक्का कैसे पहचान सकते हैं और वो कैसे बनता है उसके बारे में जान लेते हैं। 2007 में इन सिक्कों को जब जारी किया गया था तो स्टील के सिक्के बनाए गए थे और उसी टाइम पे 5 रुपए के निकिल ब्रास के सिक्के भी देखने को मिले। ज्यादा नहीं मिलते, बहुत कम मात्रा में देखने को मिले, किसी के पास में ही ऐसा सिक्का आपको देखने को मिलेगा। अभी आप दोनों सिक्कों को एक जगह देख सकते हैं, एक निकिल ब्रास का है तो दूसरा स्टेनलेस स्टील का है। स्टील का जो सिक्का है उसमें अलग लाइट देखने को मिल रही है और ये जो सिक्का है ये थोड़ा अलग ही नजर आ रहा है, इसका कलर ही अलग नजर आ रहा है। तो ये है निकिल ब्रास का। निकिल ब्रास का अगर आपको मिलता है ये सिक्का तो ये एक OMS वैरायटी का सिक्का होता है और ऐसे सिक्के इतनी आसानी से तो नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब आपके पास ऐसे सिक्के आए तो आप जरूर चेक करें कि आपका सिक्का ऐसा स्टील का ही दिखता है या फिर इसका कलर कुछ ऐसा दिखता है। अगर ऐसे कलर का सिक्का मिलता है तो इसकी कीमत आपको 12,000 से 15,000 तक मिल सकती है। ये किस कंडीशन में मिलेगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही रेयर सिक्का है, एक्सट्रीमली रेयर बोल सकते हैं इस सिक्के को। इस सिक्के को जरूर कलेक्ट करना अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए। इस सिक्के की कीमत आज के टाइम पर आपको 12,000 से 15,000 चुकानी पड़ सकती है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कोई अच्छी सी जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।